रेडी दोस्तों, तो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो मेरे भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम PF100 से एक नया पैटर्न आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अब तक पूरे YouTube पे मुझे ऐसा कोई पैटर्न नहीं देखने को मिला, और थोड़ा मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि क्यों ना एक नया रिजल्ट आपको एक नया पैटर्न के साथ हम घोषित कर दें। ये साउंड कोर्क है जो कि मैंने एक प्लाई पे लगा रखे हैं, और वीडियो में आप समझ गए होंगे कि अब इनका मैं क्या हाल करने वाला हूँ, किस तरीके से मैं चाह रहा हूँ इनको टारगेट करना, और साउंड देखते हैं होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, हमें पता है हमारे कुछ शॉट मिस भी होंगे, क्योंकि थोड़ा सा बहुत बारीक पैटर्न है यार। बाकी हमने वीडियोग्राफी में पूरी सब सेट कर दिया, और साथ में PX100 से हम इसको शूट करेंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस है, बाकी अपनी गाड़ी है वहाँ से रखे हम इसको चलाएंगे। बाकी मिलते हैं 2 मिनट में। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमने पूरी सब सेटअप कर दिया है, और इसकी मैगजीन में मैंने 10 पैलेट्स को लोड कर दिया है, और इसको हम इसको लगा देते हैं, और फायर के लिए रेडी बन जाता है अपना सब हिसाब और सेफ्टी को लोग। अब देखते हैं कितने हमारे रिजल्ट बनेंगे और कितना क्या रहेगा। रेडी? तो रेडी दोस्तों, तो हमने टारगेट का पैटर्न बना दिया, अब देखते हैं क्या रिजल्ट बन जाएगा। मतलब एक फायर हुआ और उसने सबको उड़ा दिया, 2-3 को। करते हैं फायर, मतलब जब साउंड कोर्क फायर हो रहा है, जब वो ब्लास्ट हो रहा है, तो वो दूसरे को भी उड़ा गिर रहा है, मतलब उस तरीके से वो सेट नहीं हो पाए पूरी ताकत से। ये पैटर्न जो मैं बना रहा हूँ, काफी मतलब मैंने YouTube पे ऐसा पैटर्न नहीं देखा जिस तरीके से मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मजा आ रहा है। मतलब जब एक साउंड को ब्लास्ट हो रहा है, तो दूसरे को भी लेके उड़ रहा है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। Mm-hmm.